लड़ाई ये मेरे लिए चुनाव हार जीत का तराजू नहीं है। मैं चुनाव हार जीत के लिए भ्रष्टाचार के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ। ये मेरा मिशन है, ये मेरा कन्विक्शन है और मैं मानता हूँ कि भ्रष्टाचार एक ऐसी दीमक है जिसने देश को खोखला कर दिया है। इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए, भ्रष्टाचार के प्रति सर्वसामान्य मानवीय के मन में नफरत पैदा करने के लिए मैं जी जान से जुटा हुआ हूं और मैं इस पवित्र कार्य मानता हूं। पहले ये लोग हमको पूछते थे, बातें तो बड़ी करते थे, भ्रष्टाचारियों पर कार्यवाही क्यों नहीं होती है, और जब भ्रष्टाचारी जेल जा रहे हैं तो हंगामा कर रहे हैं, क्या आप लोगों को जेल क्या भेज रहे हो? आदरणीय सभापति जी, यहां चर्चा के दौरान केंद्र की जांच एजेंसियों पर आरोप लगाए गए, जांच एजेंसियों का ये सरकार दुरुपयोग कर रही है ऐसा कहा गया है। आदरणीय सभापति जी, अब आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार करे आप, शराब घोटाला करे आप, बच्चों के क्लास के बनाने में घोटाला करे आप, पानी तक में घोटाला करे आप, आपकी शिकायत करे कांग्रेस, आपको कोर्ट में घसीट करके ले जाए कांग्रेस, और अब कार्रवाई हो तो गाली दे मोदी को, और अब आपस में जरा साथी बन गए हैं लोग, और हिम्मत है तो सदन में खड़े होकर के जवाब मांगो। कांग्रेस पार्टी से मैं आप वालों से कहता हूं, कांग्रेस भी बताएं कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपके घोटालों के इतने सारे सबूत देश के सामने रखे थे। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इन्हीं लोगों के खिलाफ की थी। अब ये बताएं कि ये जो उन्होंने सबूत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी फाइलें बताई थी, क्या वो सबूत सच्चे थे या झूठे थे? दोनों एक दूसरे को खोल करके रख देंगे।